आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गेवन है दैट फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ द रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ओके इफ ए जेड इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मेरे पास जो कि किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ठीक है और उसका रेडियल एक्सेलरेशन जो है रेडियल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं तो रेडियल एक्सेलेशन की वैल्यू मुझे गिवन है ए आर ठीक है एंड मुझे ये गिवन है कि ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है टी स्क्वायर के ठीक है तो मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो है एजेड यानी ए टेंजेंशियल जो है वो है एजेड तो ये जो चार ऑप्शन है मुझे क्वांटिटीज गिवन है इनमें से मुझे बताना है कि कौन सी क्वान्टिटी टाइम के इंडिपेंडेंट है यानी कि वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगी ठीक है तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मुझे गिवन है ए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ठीक है तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं लेट्स से सी तो इस तरीके से लिख सकता हूँ ए आर सॉरी ए आर इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर ठीक है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर दिया हमने इक्वल टू से और यहाँ कॉन्स्टेंट लगा दिया अगर कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है ठीक है तो उसमें जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या मैं बोल सकता हूँ रेडियल एक्सेलेशन किस तरीके से देते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है टूवर्ड सेंटर लगता है और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर ठीक है यहाँ पे आर जो है सर्कल का रेडियस है जिसमें ये मूव कर रहा है और v इसकी वेलोसिटी है जिससे ये मूव कर रहा है ठीक है तो ए आर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वी स्क्वायर बाय आर से एंड इट इज इक्वल टू सी इंटू टी स्क्वायर ठीक है अब देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी स्क्वायर तो यहां से वेलोसिटी का दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं तो स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का मोड मिल जाएगा ठीक है मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा टी तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा मेरे पास सी इन टू आर अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मुझे गिवन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में किस तरीके से लिख सकता हूँ ओके ए जेड डिनोट जेड से डिनोट किया हुआ है तो इसको हम जेड ही लिख लेते हैं ठीक है तो ए जेड की वैल्यू मुझे गिवन है और ए जेड को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ डी वी बाय डी टी क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी है और इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो ये तो आया था मेरे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ठीक है अब मुझे निकालना है डी वी बाई डी टी तो ए जेड कितना हो जाएगा डी वी बाई डी टी एंड इट विल बी इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को जब मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये जो अंडर रूट सी आर है ये तो कॉन्स्टेंट है आर रेडियस है और सी कॉन्सटेंट था ही तो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाएगा ठीक है और t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन तो यहाँ से डी वी बाई डिटी की वैल्यू आ गई मेरे पास सी आर और यही हो जाएगा ए जेड के कुल यानी ए जेड की वैल्यू आई है मेरे पास अंडर रूट सी आर ठीक है अब ऑप्शन वाइज हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर वन में मुझे क्या आगे बने ए आर इन ए जेड तो ए आर तो क्या है ए आर ये रहा हमारा जो कि टाइम के स्क्वायर के प्रपोर्शनल है और एजेड जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है ठीक है एजेड में हम देख सकते हैं कि ये सी और आर है तो दोनों ही कॉन्स्टेंट और एजेड तो मेरा कॉन्स्टेंट है ठीक है दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ए आर वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है तो ये तो डिपेंडेंट हो गया टाइम पे तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन टू क्या बोल रहा है एजेड एजेड अभी हमने देखा ये कॉन्स्टेंट है तो ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा एजेड इज इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम आगे के ऑप्शन भी चेक कर ले तो ऑप्शन नंबर थ्री बोल रहा है ए आर बाई एजेड तो एजेड जो है मेरा कॉन्स्ट है ए आर वेरिएबल है तो ये भी क्वान्टिटी भी ओवरऑल वेरिएबल होगी तो ये भी इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर फोर बोल रहा है ए आर स्क्वायर बाय एजेड तो एजेड अगेन कॉन्स्टेंट है ए आर जो है टाइम के स्क्वायर के प्रपोशनल और उसका भी स्क्वायर है तो ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा टी की पावर फोर के तो ये भी टाइम पर डिपेंडेंट है तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ओके आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर